हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव गुजा और आज मैं सिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज को किस तरह से याद रखना है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको फॉर्मूला याद नहीं होता। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दूसरी एक बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अनफेवरेबल या एडवर्स कब आएगा या फेवरेबल कब आएगा वो पता नहीं चलता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, ये वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि आप फॉर्मूलाज को किस तरह से लर्न कर सकते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे आएगा, सब यूजेस वेरिएंस कैसे आएगा। मैं कोई टेक्निकल टर्म में नहीं जाने वाला, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप फॉर्मूला ये वीडियो से लर्न कर सकते हो। ये वीडियो 3 या 5 मिनट का होगा, एटलीस्ट पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं लेबर का वीडियो भी वहां पे लेके आऊंगा। दोस्तों, यहां पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो हो जाता है तो यहां पे आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले ही दिखना है, आगे वाले सारे फॉर्मूला के अंदर स्टैंडर्ड पहले आएगा, एक्चुअल बाद में आएगा, उसका रीजन मैं लास्ट में बता दूंगा। अब ये जो हो जाता है तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पे आ जाता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। ये ऐसे आ गया। अब दोस्तों, ये जो कॉस्ट है, मतलब ये क्वांटिटी और रेट के लिए है। ठीक है, तो इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे रेट आ जाएगा या तो प्राइस आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्वांटिटी आ जाएगा। तो क्वांटिटी का रेट का, तो भाई क्वांटिटी और रेट। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वो पहले सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वो पहले सॉल्व कर देंगे तो आगे क्या आएगा वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। प्राइस है तो प्राइस आएगा, स्टैंडर्ड पहले है तो दोस्तों स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। लेकिन ये हमारा जो भी आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, बाजार में जाके क्वांटिटी खरीदेंगे तब आएगा। तो अंदर प्राइस है तो अंदर प्राइस आ गया, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। बस इतना यहाँ पे याद रखना है। अब ये क्वांटिटी है, जैसे यहाँ प्राइस था तो प्राइस आया, दूसरी बार बोल रहा हूँ क्वांटिटी है तो क्या आ जाएगा अंदर दोस्तों, ऑब्वियसली यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन पहले कौन सी लिखनी है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लिखनी है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लिखनी है, दोनों को माइनस करना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड था, यहाँ पे एक्चुअल था, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड और यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल। देखो ऐसे याद करना है, अगर यहाँ पे प्राइस अंदर था तो क्वांटिटी बार था, यहाँ पे क्वांटिटी अंदर है तो प्राइस बार हो जाएगा, लेकिन वो प्राइस था तो एक्चुअल था, क्वांटिटी में सब जो होंगे वो स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। दोस्तों ये क्वांटिटी वेरिएंस के दो लड़के हो गए। ठीक है, मैं बाद में समझाऊंगा क्यों, बिकॉज चलो ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यहाँ पे हो जाता है मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। ये सारा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ वापिस, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल। मैंने दोबारा लिखा हुआ है क्योंकि फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत आपको नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा, ये वाली चीज जो है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी और बाकी का फॉर्मूला जो है दोस्तों आपका सेम रहेगा। सिमिलरली अगर ये जो है वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया, अब यहाँ पे ये सेम रह जाएगा। ठीक है, ये तो आपने एक बार चेंज कर लिया, अगली बार ये वाला चेंज करना पड़ेगा, तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हट के कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। और जैसे यहाँ पे ये और ये फॉर्मूला में सिर्फ आर एस क्यू का चेंज था, इसी तरह से यहाँ पे बाकी का पूरा सेम। तो यहाँ पे देखा दोस्तों, सिर्फ आर एस क्यू को आगे लगाया और यहाँ आर एस क्यू को पीछे लगाया, वो मटीरियल मिक्स वेरिएंस हो गया और मटीरियल सब यूसेज वेरिएंस हो गया, तो उसके हिसाब से ये पूरा है। अब दोस्तों ये ऐसे ही लर्न क्यों करना, क्योंकि अगर मान लो दोस्तों कि ये हो गया 50,000 और ये हो गया 51,000, तो आंसर अगर नेगेटिव में आया तो वो हमारा अनफेवरेबल या एडवर्स हो जाएगा, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और पॉजिटिव में आया तो फेवरेबल हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से ये इसको लर्न करना है। एक और वीडियो हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग का, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे प्लीज आप देख लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर लेबर पे इस तरह से चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, तो वो वीडियो भी मैं बना के लेके आ जाऊंगा।
कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो दोनों चेंज होती है तो कब होती है, क्यों होती है, इसके लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और उसको प्लीज़ अगर दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, आपकी लाइक हमको बहुत मोटिवेट करती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।